हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो हम लोग आज एक माउस पॉइंटर तोड़ने जाएंगे गाइस, जो कि मैंने वहां पर पहाड़ के ऊपर देखा। तो चलिए चलते हैं वहां से गाइस। उस माउस पॉइंटर में से पॉइजनस स्पाइडर्स प्लस अपना क्या बोलते हैं उनको, जॉम्बीज भी स्पॉन हो रहे थे। एंड वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट स्पॉनर बिकॉज मुझे डाउट है। देखिए गाइस, वो सामने ही है। बिकॉज मुझे डाउट कि वहाँ पर कोई चेस्ट ज़रूर मिलेगा। लास्ट वीडियो में जो हमने स्पॉनर तोड़ा था गाइस, वो उसके पीछे स्पाइडर्स तो थे बट हमें उसमें से कुछ मिला नहीं था। तो हम लोग अब ये स्पॉनर तोड़ने की कोशिश करेंगे और जाकर देख चेक करेंगे कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से एक ब्रिज बनाएंगे और हम उस साइड जाएंगे। तो इस ब्रिज पे से सबसे पहले हम लोग अपना रास्ता क्रॉस करेंगे। एंड हमें ओ गाइस, जैसे ही ब्रिज बना तुरंत ही देखिए एक मकड़ी हमारी तरफ बढ़ने लगी है। एंड ये हमें किल करना चाहती है। एंड शी फेल डाउन, खुद ही वो नीचे गिर चुकी है। वो ये तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस थी, हमारे खाने पर भी असर पड़ा है क्या कुछ। सो हमारा फुल हो गया है। एंड यहाँ पर देखिएगा इस कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इनको तोड़ना होगा ताकि वो यहाँ पर आ ना सके। एंड हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पर कितने ब्लॉक्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स मिनिमम हमें तोड़ के जाना है उस साइड। तो वी हैव टू ब्रेक मिनिमम ऑफ 8 ब्लॉक्स। ओ शिट गाइस, एक और मकड़ी आ गई यहाँ पर, वो भी नीचे गिर चुकी है। तो सबसे पहले हमें अपना जो काम है वो पूरा करना है और हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ ब्लॉक्स जो हमें सेफ रखेंगे। एंड यहाँ पर एक टॉर्च लगा देते हैं ताकि हमें अंधेरे में प्रॉब्लम ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इतना काफ़ी है, हमें उस साइड जाना है। हमें मिनिमम 15 to 16 ब्लॉक्स तोड़ने गाइस, 15 to 16 ब्लॉक्स। चलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 गाइस। हम यहाँ पर एक और टॉर्च लगा देते हैं ताकि कुछ और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अंधेरे में हमको दिखेगा नहीं और कोई भी स्पाइडर हम पे हमला कर सकता है या फिर कोई भी ज़ॉम्बी। सो हमें चांस नहीं लेना है। देखिए गाइस, स्पॉनर यहीं कहीं पे आसपास ही, क्योंकि यहाँ पर हमें मकड़ी का जाल दिख रहा है। तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। वी डोंट हैव टू टेक चांस। हमें बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है क्योंकि हम मर सकते हैं और हम पे पॉइजन का असर नहीं होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हम भी माइनक्राफ्ट की दुनिया में इंसान ही हैं यार। तो चलते हैं आगे और देखते हैं गाइस कि अब स्पॉनर से कितना दूर है। सो यहाँ पर हम बाहर निकल चुके हैं, मतलब हमें अब इस साइड की खुदाई करनी है गाइस। एक तोड़ कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक मकड़ी आ गई है और इसको हम पहले ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये हमें ख़त्म कर देगी। ये देखिए यहाँ पर एक नाच रही है। कैसे नाच रही है, जैसे यहाँ पर गाना बज रहा हो कोई। चलो गाइस, अब हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। ऊपर की तरफ बढ़ने से क्या होगा गाइस कि हम जल्दी से उस पॉइंट को तोड़ पाएंगे
जो कि हमारे नीचे ही है। हमें ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए जंप और कॉबलस्टोन प्लेस, जंप एंड प्लेस, एंड हम लगा देंगे यहाँ पर एक टॉर्च ताकि हमें सब कुछ क्लियरली दिखता रहे। टॉर्च ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों, इसको और ऊपर लगा देते हैं क्योंकि हमें अभी यहाँ पर कॉबलस्टोन प्लेस करने हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अब इतना ऊपर तो आ चुके हैं कि अब हमें देख नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे डायरेक्शन याद नहीं कि हमें कौन सी तरफ उनको मारना है। तो हम इनको फिर से तोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सो इट वॉज दिस डायरेक्शन, हम इसी तरफ फेस करके जंप करके कॉबलस्टोन प्लेस करेंगे। क्या हम इसी तरफ होंगे, क्या इस तरफ थे? चलिए तोड़ कर देखते हैं। चलो गाइस ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं। ओ क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों प्लेस हो जा रहा है उधर? देखिए गाइस वहाँ पर आयन ओर है जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग अब अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से वो मॉब हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहा था और खुद ही नीचे गिर चुका है। मुझे वो स्पॉनर तो नहीं दिख रहा है, बट गाइस मुझे लग रहा है कि हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर वापस आ चुके हैं यार, क्योंकि मैंने जो ब्रिज बनाया था वो तो यहीं पर ही है। अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। लेट्स प्लेस अ टॉर्च ओवर हियर, आई टोल्ड टॉर्च ब्रो। क्या हो रहा है यार, हम यहाँ पर एक टॉर्च प्लेस करेंगे एंड यहाँ से नहीं गाइस, हम लोग सही चले जा रहे हैं। सही है, सही है, हम लोग सही हैं। तो यहाँ पर एक कॉबलस्टोन प्लेस कर देते हैं ताकि वो लोग हमारी तरफ आना सकें एंड हमें इस तरफ से, गाइस ध्यान से सुनिए, इस तरफ से हमें इसको तोड़ना है ताकि हम उस स्पॉनर को तोड़ सकें। चलिए अब नीचे की तरफ देखते हैं कि हम लोग अपने मंजिल के कितना करीब हैं। और देखिए गाइस नीचे मकड़ियाँ हल्ला बोल के खड़ी हैं। स्पॉनर तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट जल्दी ही दिखेगा। लेट्स सी, हम लोग ये ब्लॉक तोड़ के देखते हैं स्पॉनर दिखता है क्या। जी स्पॉनर तो यहाँ पर भी नहीं है। सो ये एक ब्लॉक यहाँ से एंड अब देखते हैं, यहाँ पर भी स्पॉनर विजिबल नहीं है। इस ब्लॉक के पीछे तो ज़रूर ही स्पॉनर हो का ही, कमाल है गाइस, ये दूर हमारे लेकिन हमें स्पॉनर अभी तक दिखा ही नहीं और ये मकड़ियाँ हमारे ऊपर हमला करने को तैयार। देख रहे हैं हम कभी भी टपक सकते हैं गाइस।
ओ शिट 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 शिट, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शिट, देखिए गाइस, हम लोग इतने दूर तक आकर मर गए। स्पॉनर यहाँ नीचे ही था बट हमें वो दिख नहीं रहा था, तो हम अपनी जगह पे रिस्पॉन होंगे और फिर से एक बार वहाँ पर आएंगे। इस बार फिर से हम तो उस स्पॉनर को तोड़ कर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ये स्टिक्स समय चाहिए थोड़े, तो हम स्टिक्स बना लेंगे एंड देन अपने लिए एक सॉर्ड और एक पिकैक्स क्राफ्टिंग टेबल। ये लीजिए एक पिकैक्स और तलवार तैयार है, तो चलते हैं फिर से उसी जगह पे। हमने तो सब कुछ तैयार ही रखा है, खाली हमें वहाँ पर हल्ला बोलना है। सो लेट्स गो एंड किल दैट क्रीपी स्पाइडर्स। चलिए अब उन स्पाइडर्स की खैर नहीं, मार मार के उन्होंने तो मुझे एकदम पूरा जहर से भर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जी हमारा ब्रिज कहाँ गया यार, जो हमने ब्रिज तैयार किया था वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए, वो रहा हमारा ब्रिज। तो पहले अपने ब्रिज की तरफ जाएंगे एंड देन उन पर हमला कर देंगे। चलो गाइस, हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, नहीं तो कभी भी कोई भी स्पाइडर आ सकता है यहाँ पर और हम चांस नहीं ले सकते। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सेफ्टी फर्स्ट प्लेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वाओ, हमने यहीं पे कॉबल स्टोन्स प्लेस किए थे ताकि हम ऊपर जा सकें। चलिए अपने कॉबल स्टोन्स पहले निकाल लेते हैं, जहाँ तक हमारी टॉर्च दिखती है वहाँ तक। अब हमें यहीं पर अपने कॉबल स्टोन्स प्लेस करने हैं। जंप एंड प्लेस, जंप एंड प्लेस, जंप एंड प्लेस ना, काफ़ी है गाइस। ये देखिए, एक यहाँ प्लेस करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। इसको तोड़ लेंगे, ओ शिट, ये फिर से हमारे अंदर पॉइजन भर दिया है। यहाँ पर प्लेस करेंगे ताकि वो हमें देख ना पाए। हमें इसके लिए और कॉबल स्टोन्स की जरूरत है गाइस, लेट्स ब्रेक सम कॉबल स्टोन। वन हील यहाँ पर प्लेस करेंगे और हम अपने सेफ्टी के लिए थोड़े और कॉबल स्टोन्स ले लेते हैं पहले। स्पॉनर को तो मैं आज तोड़ के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। इसके लिए हमें पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं मौत को, मौत के घाट उतारने।
वो हमारी तरफ आ रहा था और वो नीचे ही गिर गया सीधा। वो देखिए, वो देखिए मॉब स्पॉनर वहीं पे। इस बार वो हमसे बचना नहीं चाहिए, हमें उसे तोड़ना ही है एट एनी कॉस्ट। एक मकड़ी हमारी तरफ चढ़ के आ रही है और नीचे भी जा चुकी है। अभी ना सो ब्रोकन। सारे मॉब्स तो हमें देखकर वैसे ही डर गए गाइस। देखिए सब लोग नीचे की तरफ भाग रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं अपने आप ही। मर नहीं रहे हैं, मतलब नीचे तो गिर ही रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। एक और गया, वहाँ पर तो गाइस देखिए ज़ॉम्बी भी है। एक हमें एक ज़ॉम्बी भी वहाँ पर दिख रहा है, तो हमने स्पॉनर तो तोड़ दिया, तो हमें नीचे चलकर देखना भी है कि वहाँ पर है क्या, हमारे काम लायक कोई चीज़ है या नहीं, या हमने फालतू में मेहनत की थी। तो चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि हमारे काम की कोई चीज़ है या नहीं यहाँ पर। तो गाइस आप लोग तो जानते होंगे कि वेब्स को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं आसानी से। वेब्स को तोड़ने के लिए हमें चाहिए तलवार। वेब्स किसी चीज़ से नहीं टूटते, बस एक तलवार से ही टूटते हैं आसानी से। तो आप लोग भी तलवार का यूज़ कीजिए, आप आसानी से वेब्स को तोड़ सकेंगे। तो यहाँ पर एक और मकड़ी आ गई है हमें मारने के लिए, तो पहले हम इसका खात्मा करेंगे, बाद में वेब्स को तोड़ेंगे। ये आई कहाँ से? ये देखिए देखिए, एक और एक और एक और एक और एक और एक और ये भी खलास हो चुकी है। वहाँ पर एक और है, वो एक और है वहाँ पर, वो भी हमारी तरफ ही आने वाली है शायद। तो हम उसका पहले वेट करेंगे, पहले उसको बुलाते हैं चिढ़ा कर। ए ए ए स्पाइडर, ए ए स्पाइडर के बच्चे आके दिखा इधर। ए ए क्या, वो नीचे गिर गया गाइस? क्या वो नीचे गिर गया? ओ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये क्या है, तो भाग रहा है यार। द स्पाइडर गॉट स्कैर्ड फ्रॉम अस। खाली मुझे ही ये भी ज़ॉम्बी की आवाज़ आई क्या? आप में से किसी और को भी आई है? लेट्स किल दिस स्कैरी। ओह फक 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 फक, व्हाट द फक यार, शिट, नाउ वी आर गोना गेट किल्ड। अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता गाइस। यहाँ पर एक हड्डी का पट्टी भी है। वो हमें कहाँ से मार रहा है? फ्रॉम वेयर ही इज हिटिंग अस। ओ शिट 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 शिट, वो तो सामने ही खड़ा है यार।
गाइस हम थोड़ी देर के लिए यहीं पे छुपते हैं ताकि हमारी हेल्थ पहले फुल हो जाए, फिर हम बाहर निकलेंगे। तो हमारी हेल्थ भी फुल डाउन है। वो सरतीकी वाला बंदा तो हमें हमेशा अपना शिकार बनाता है यार। ये देखिए आ गया आ गया आ गया, हम हमसे मरने आ गया ये। आज इसका खात्मा हम ही करेंगे गाइस। गया ये काम से, सिर्फ वो स्पाइडर्स बचे हैं, दो क्रीपी क्रिएचर्स। वहाँ पर नीचे एक गोल्ड ब्लॉक है जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो क्या हम उसे ले सकते हैं? इफ कोई स्पाइडर ना आ रहा हो तो एक नहीं चार है गाइस, तो हम गोल्ड ब्लॉक्स तो ज़रूर लेंगे भले ही कोई स्पाइडर ही क्यों ना आ रहा हो। दे आर नीड यार। पानी आ कहाँ से रहा यार? Where is the water falling from? चलो पानी तुमने बंद ही कर दिया है। अब ले लेते हैं अपना सोना और फिर यहाँ से निकलेंगे। चलो गाइस, मैंने नीचे से जाने के लिए पहले ही रास्ता बना दिया था बिकॉज मैं एक बार पहले भी नीचे आया था एंड मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा फिर हो सकता है, क्योंकि मैं नीचे इधर दो बार पहले ही डाई हो चुका हूँ एंड फिर से मैं चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर एक जाने के लिए नीचे ऊपर जाने के लिए रास्ता बना के रखा है। सो मैं वहीं से ऊपर जाऊँगा एंड वहाँ पर मैंने तो नहीं प्लेस किया बट वहाँ पर एक चेस्ट है एंड आई वॉन्ट दैट चेस्ट। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो हमने स्पॉनर तोड़ दिया है, हम लोग नीचे गिर चुके हैं, हमें 6 गोल्ड ब्लॉक मिले गाइस एंड यहाँ पर एक है उस चेस्ट, उसे मैं लूटने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।